जी मेरा सवाल ये है कि खुदा के नज़दीक दुनिया और इंसान की ज़िंदगी की कदर क्या है, यानी वैल्यू क्या है, और इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है। और मेरा अगला सवाल ये है कि खुदा से जीवन की सच्चाई जानने की दुआ कैसे करें, आसान तरीके से समझाएं। देखो, ये दुनिया बहुत पहले से बनी चली आ रही है। हम दुनिया में ना थे जब भी अल्लाह ताला खुदा इस दुनिया को चला रहा था। अब हम हैं, अब भी चला रहा है, और हम यहाँ से मर के चले जाएंगे तब भी चलाता रहेगा जब तक चाहेगा। तो लिहाजा इस कायनात में हमारी कोई हकीकत नहीं है। हमें 50-60 साल की ज़िंदगी मिलती है, थोड़ी सी अल्लाह की तरफ से अकल और समझ मिलती है और होश मिलता है। हम इस अकल और होश से इस दुनिया को तो क्या समझेंगे, हैं? हम अपने आप को नहीं समझ सकते। इस कायनात की हर चीज़ को इसका बनाने वाला, चलाने वाला मालिक ही जानता है। अल्लाह ताला ने हमें ये जीवन दिया है, थोड़े समय का जीवन दिया है, इम्तिहान लिया है। दुनिया में हमेशा रहने को नहीं भेजा है, कुछ समय के लिए भेजा है और हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे रूए रूए पर अल्लाह का कब्जा है। हमारी सिर्फ हमें नियत की छूट दी है, अच्छे बुरे कर्म करने की छूट दी है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक सोच और एक समझ दी है, अपनी रचना को हमारे अंदर रच दिया है। हमें ये मादा दिया है कि जब भी हम कोई कर्म करें, पहले सोचें, फिर समझें, फिर उसकी नीयत बनाएं, इरादा बनाएं, उसके बाद फिर दो रास्तों में से कोई सा रास्ता चुनें। ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते दिए हैं उसने, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, सच पर चल या झूठ पर चल। सच और अच्छाई अल्लाह की है, जिसने हमें पैदा किया, जिसका सब कुछ है, और झूठ और बुराई शैतान की है। झूठ और बुराई शैतान ने पैदा नहीं किए, इस लिहाज से नहीं है। अल्लाह ने इंसान का इम्तिहान लिया है, अच्छाई बुराई को अल्लाह ही ने पैदा किया है। तो बुराई को अल्लाह ही ने पैदा किया है, लेकिन बुराई अल्लाह को पसंद नहीं है, ना पसंद है। बुराई के ज़रिए से अल्लाह ने इंसान का इम्तिहान लिया है। अब शैतान अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह ने शैतान को कयामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी है और उसे छूट दे दी है कि इंसानों के मन में गलत ख्याल डाले, ताकि इस तरीके से अल्लाह ताला इंसानों का इम्तिहान ले सके, टेस्ट ले सके। तो बुराई को नाम दिया है शैतान की बुराई, समझ में आ रही है बात? हाँ, तो दो रास्ते सामने कर दिए हैं। एक रहमान का, अल्लाह ने अपना रास्ता करा है। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, कृपा करने वाला है, दया करने वाला है। एक रास्ता है रहमान का और दूसरा है शैतान का। इन दो रास्तों के दो अंजाम हैं मरने के बाद। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। तो इंसान को जो है पहले सोचने समझने और फिर नियत करने का मादा दिया है, इरादा करने का। अब इरादा करके इंसान सोच समझ करके अगर इंसान अच्छाई पर चलता है, तो जिस ताकत से वो अच्छाई पर चलता है, भाई शरीर में ताकत किसने डाली है हमारे में? अल्लाह ने। तो अच्छाई पर चलने की ताकत किसकी थी? अल्लाह की। अगर हम अच्छाई पर चलते हैं तो अच्छाई पर चलने के लिए भी तो ताकत चाहिए, वो ताकत किसकी है? अल्लाह की। और बुराई पर चलने के लिए भी ताकत चाहिए, भाई जब शरीर में जान होगी जब तक इंसान बुराई करेगा, तो बुराई पर चलने के लिए भी ताकत चाहिए। बुराई पर चलने के लिए ताकत किसकी है शरीर में? अल्लाह की। तो दोनों ही सूरतों में इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, ताकत अल्लाह ही की होती है। अब जिसने अल्लाह की ताकत का सही इस्तेमाल किया, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी किया, उसकी ताकत तो कामयाब हो जाएगी। जिसने अल्लाह की दी हुई ताकत अल्लाह के लिए लगाई, अल्लाह की कोशिश के लिए लगाई, अल्लाह को राज़ी करने के लिए लगाई, भलाई पर चलने के लिए लगाई, अच्छाई पर चलने के लिए लगाई, उसकी कोशिश और ताकत मौत के बाद कामयाब हो जाएगी। और जिसने अल्लाह की दी हुई ताकत गलत तरीके पर लगाई, बुराई पर लगाई, शैतान के रास्ते पर लगाई, उसकी ताकत मौत के बाद, जो उसने शैतान को राज़ी करने के लिए वो ताकत लगाई अल्लाह की, उसके लिए बवाल बन जाएगी। अब अल्लाह ताला ने हमारे अंदर अपनी अच्छाई और सच में सुकून रखा है, तो हमें आँख मीच कर अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह से अच्छाई पर चलने की, सच्चाई पर चलने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसमें कोई सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आँख मीच के
अल्लाह से हम अच्छाई पर चलने की, भलाई पर चलने की, बुराई से बचने की दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। याद रखें, जब भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का ज्ञान, इल्म करें या सुनें, हैं, तो अल्लाह से ये दुआ मांगा करें। अगर आप अल्लाह से ये दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको अपनी सच्ची राह दिखाएगा और उस पर चलाएगा। तो आओ हम सब मिलकर दुआ करते हैं, और दुआ के साथ साथ जो भी शब्द समझ में आएंगे उसको मैं समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, ज़ोर से बोलें सभी लोग। ए अल्लाह, हमें हर उस बात का इल्हाम कर। इल्हाम का मतलब है हमारे दिल में कोई बात डाल। हमारे मन में जो ख्याल आते हैं ना, जो अच्छी बातें आती हैं, वो अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो अल्लाह ताला हमारे दिल में अच्छी बात डाले, हैं, क्या बात डाले उसकी हम दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह, हमें हर उस बात का इल्हाम कर दे हमारे अंदर, हमें समझा दे हमारे दिलों में हर वो बात डाल दे जो हमारी हिदायत की कामयाबी की हो, जो हमें सच्ची राह दिखाती हो, जो हमें तेरी सच्ची राह दिखाती हो। ए अल्लाह, हमें सच को सच दिखा, हक को हक दिखा, क्योंकि ये सारी दुनिया धोखा है। अगर अल्लाह हमें सच ना दिखाएगा तो हम सच देख नहीं सकते। लेकिन पहले हमारी नीयत तो हो सच देखने की, अल्लाह को पाने की, सच्चाई को जानने की। हमारी नीयत हो, कोशिश हो, फिर अल्लाह से हम प्रार्थना करें, दुआ करें, तब वो हमें दिखाएगा। वरना पूरी दुनिया धोखा है, यहाँ दिखता कुछ और है और सच्चाई कुछ और है। ए अल्लाह, हमें सच को सच दिखा, हक को हक दिखा, हम उसमें धोखा ना खा जाएं, और सच्चाई को, सच को, हक को मानने की, कबूल करने की तौफीक अता फरमा। हाँ, सच को समझ लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान देह है अगर इंसान सच्चाई को मानने को तैयार ना हो तो। दुनिया में कितने लोग हैं जो अल्लाह की सच्चाई को जानते तो हैं मगर नहीं मानते, उनके लिए वो नुकसानदेह है। जानबूझकर बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, जहन्नुम की राह में जा रहे हैं, अपने जीवन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धंधा कर रखा है। ए अल्लाह, हमें अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, हमें अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई को बुराई ही दिखा। कहीं ऐसा ना हो कि हम बुराई को सही समझ बैठें और धोखा खा जाएं, और हमें बुराई से बचने की हिम्मत अता फरमा। सच्चाई और अच्छाई पर चलने की ताकत अता फरमा, हिम्मत अता फरमा। और ए अल्लाह, हमें हर उस काम की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद है और जिससे तू राजी होता है। आमीन। ए अल्लाह, इस बात को कबूल फरमा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे भाई या बहन YouTube पे हमें सुन रहे होंगे वो भी हमारे साथ इस दुआ को पढ़ रहे होंगे। आइए और आगे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। संसार के सच्चे मालिक, ए अल्लाह, दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे मजहब हैं, कितने सारे फिरके हैं, कितने सारे मत हैं,
जब तू संसार का सच्चा मालिक एक है, जब तू संसार का सच्चा मालिक एक है, तो तेरा सच्चा रास्ता भी सबके लिए एक ही है। तेरी रचना हर इंसान के अंदर एक ही है, तो तेरा सच्चा रास्ता भी सबके लिए एक ही है। जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है, जो तेरी तरफ से सच्चा रास्ता है, हमें उसको दिखा दे, हमें उसको दिखा दे, और उस पर चला दे, और उस पर चला दे, भटकने से बचा ले, भटकने से बचा ले, जिंदगी का सही मकसद समझा दे, समझा दे। आमीन आमीन। ए अल्लाह इस बात को कबूल फरमा ले, ए अल्लाह इस बात को कबूल फरमा ले। भाई सबने ये दुआ दिल से मांगी है, ठीक है। तो अब आगे बात सुने, अब मैं जो अल्लाह का जिक्र करूँगा उसमें ध्यान से सुने, इंशाल्लाह असर होगा और अल्लाह ताला धोखे से बचाएगा और सच्चाई समझाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि भाई बहुत से लोग हैं जो दिखने में लगते हैं बड़े सीधे, बड़े नादान, अल्लाह की बात को सुनते नहीं, गौर नहीं करते हैं, उनके बारे में क्या मामला है। तो देखो, याद रखना, कोई सीधा नहीं है। अल्लाह ने सबको इतनी अकल दी है कि सच और झूठ को समझ सके। अल्लाह ने हर इंसान को ये समझ दी है, अल्लाह ने अपनी रचना में ये प्रवस्थ किया है इंसान के अंदर कि अल्लाह एक है, और इंसान मुसीबत में अल्लाह ही को पुकारता है, एक अल्लाह को पुकारता है। और हर इंसान की रचना में ये रख दिया है उसने कि तू दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। चाहे कितनी भी कम समझ रखने वाला इंसान हो, बस पागल ना हो, वो दिमाग से फ्री ना हो, पागल ना हो, बाकी कितनी भी समझ रखने वाला इंसान हो, वो भी इतनी समझ तो रखता है कि मुझे रोटी मुंह से खानी चाहिए, नाक से नहीं खानी चाहिए, दवाई का मुट्ठा भर के नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर से पूछ के खानी चाहिए कौन कौन सी दवाई कैसे खानी है। इतनी समझ तो रखता है कि मैं दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया हूँ, मालिक एक है। तो अब अगर वो नहीं सुन रहा है तो उसमें आप सीधा ना कहें उसको, वो अल्लाह का नाशुकरा है, वो अल्लाह की कदर नहीं कर रहा। दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान को इम्तिहान लेने के लिए भेजा है और जीवन ही दिया है इसलिए, ताकि देखना यह है कि कौन अल्लाह की कदर करता है और कौन नाकदरी करता है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हर चीज़ को हर समय देखता है, अंदर से भी देखता है, बाहर से भी देखता है, खुली चीज़ को भी देखता है, छुपी चीज़ को भी देखता है। मतलब मेरे शरीर ऊपर से दिखाई दे रहा है, खाल का पर्दा है, अंदर से ऊपर से खाल दिखाई दे रही है, ये बाहर का हिस्सा है, और एक मेरे शरीर के अंदर का हिस्सा है जो पेट के अंदर आँत हैं, दिमाग की नसें हैं, हैं। तो अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना अंदर का ना बाहर का। इस कायनात के दो हिस्से हैं, एक बाहर का एक अंदर का, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो अल्लाह को दुनिया के आगे और पीछे और खुले और छुपे का सारा इल्म है, सारा ज्ञान है, और ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है। वसी कुर्सी हुस समावाती व माफिल अर्ज, अल्लाह की कुर्सी ने ज़मीन व आसमान को घेरे में लिया हुआ है। अल्लाह की कुर्सी नहीं है, अल्लाह चलने से पाक, बैठने से पाक, उठने से पाक, दौड़ने से पाक, भागने से पाक। ये तो अल्लाह ने अपनी ताकत को बताने के लिए, कुर्सी हमें समझाने के लिए, हमारी अकल को कुर्सी का नाम लिया है, हैं कि अल्लाह की कुर्सी ने ज़मीन व आसमान को घेरे में लिया हुआ है। तो इंसान की तो क्या, जो ज़मीन पर चैंटी चल रही है उसके मन में क्या ख्याल है, वो अल्लाह की कितनी कदर करती है अल्लाह को उसकी भी खबर है। तो जो इंसान अल्लाह की कदर करता है, दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह उसी को राह दिखाता है जो अल्लाह की तरफ जो है कोशिश और मेहनत करता है अल्लाह को पाने की, अल्लाह की प्यास में। अब देखो, सारी दुनिया के इंसानों का मालिक एक है, तो उसका सच्चा रास्ता भी उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सबके लिए एक ही है। वो ये है कि अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो, और अच्छाई पर चलकर ही इंसान अल्लाह को पा सकता है, और अच्छाई और सच्चाई पर इंसान ठीक से तभी चल सकता है जब अल्लाह का एहसान माने और उसके सामने झुके और उसके हुक्मों को पहचाने, और इंसान को पूरी तरह बुराई से बचने का और पूरी तरह अच्छाई पर चलने का तरीका इंसान का बनाने वाला मालिक ही जान सकता है, बता सकता है, इंसान खुद नहीं समझ सकता। इसीलिए उस मालिक ने कुरान में कहा है कि जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे हुक्मों के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, पवित्र करके मरा, वो मरने के बाद कामयाब होगा, और जो अपनी आत्मा को
मेरे हुक्म के खिलाफ चलकर बुराई की गंदगी से गंदा करके मरा, वो मरने के बाद नाकाम होगा, नरक की आग में जाएगा। तो अल्लाह ने रास्ता एक ही बताया है कि अच्छाई पर चलो और बुराई से बचो। अब अच्छाई पर चलने के तरीके अलग अलग हैं और बुराई पर चलने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं, इसी तरह से जो भी इंसान, हर इंसान जो अलग अलग काम करेगा उसके काम में ज़रूर फ़र्क मिलेगा आपको, एक सा काम सबका नहीं होगा। अगर 10 आदमी एक ही अच्छाई को करेंगे तो उनके करने में अलग अलग फ़र्क मिलेगा। तो नरक जहन्नुम एक ही है, उसमें जाने के रास्ते दरवाजे अलग अलग हैं। जैसे बुरे लोगों के बुराई को करने के तरीके अलग अलग होते हैं, सारे रास्ते जाते नरक ही को हैं, जहन्नुम ही को हैं। तो जैसा इंसान का संगीन जुर्म गुना, वैसे ही दरवाजे में से दाखिल होना है और वैसे ही दर्दनाक सजा उसके अंदर पानी है। अब जन्नत स्वर्ग के दरवाजे भी जो है अनेक हैं। जैसे अल्लाह को राज़ी करने के अच्छे काम, अच्छे कर्म, वैसे ही दरवाजे में दाखिल होना है। अब अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह का अधिकार पहचाने, उसका हक़ पहचाने, उसने क्यों पैदा किया है, किस मकसद से पैदा किया है, वो मुझसे चाहता क्या है कि मैं उसके अलावा किसी और के आगे सर ना झुकाऊँ, उसके अलावा किसी और के आगे हाथ ना फैलाऊँ, उसके अधिकार को पूरा करूँ। तो सबसे पहले अल्लाह के अधिकार पहचानना ज़रूरी है, उसके बाद फिर जो नेकी करेगा फिर उसी हिसाब से, उसी दर्जे के हिसाब से जन्नत में उसी दरवाजे में से दाखिल होगा। अब जो इंसान अल्लाह के अधिकार ही पूरे ना करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा। लेकिन अल्लाह का रास्ता एक ही है हर इंसान के लिए, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर, जो इंसान के अंदर ईश्वर की रची हुई रचना है, अल्लाह की रची हुई रचना है, उसके आधार पर सब के लिए एक ही रास्ता है, अच्छाई पर चल बुराई से बच। अल्लाह ताला ने जीवन जीने के इंसान के ये दो रास्ते ही बनाए हैं, मगर हुक्म एक ही रास्ते पर चलने का दिया है कि अच्छाई पर चलो बुराई से बचो। तो मालिक सबका एक है, उसको राज़ी करने का रास्ता भी एक ही है। तो अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं हम उसकी इबादत करके। हैं, इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब यह है कि इंतहाई दर्जे की अल्लाह से मोहब्बत हो, बे इंतहा, कोई हद ना हो, और बे इंतहा अल्लाह के सामने इंसान गिड़गड़ाए, बिछ जाए, कमज़ोरी महसूस करे, मोहताजी महसूस करे, आजजी महसूस करे और उसको बड़ा समझे, वही बढ़ाई वाला है। और भाई बुतपरस्ती से बचें। बुतपरस्ती का मतलब क्या है? अल्लाह के अलावा जिस चीज़ से भी उम्मीद होगी वो उसका बुत है। अल्लाह के अलावा जो इंसान जिस चीज़ से भी उम्मीद रखेगा वो उसका बुत है, गैरुल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीद रखना, यह है बुत परस्ती। हर मामले में सिर्फ अल्लाह ही से उम्मीद रखना चाहिए। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं, सच्चे ईमान वाले का सब कुछ मौत के बाद है, मौत के बाद की ज़िंदगी में है, कितना बड़ा सब्र है। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से सबको इम्तिहान के लिए जीवन का समय मिलता है। अब टेस्ट ये है, इंसानों का टेस्ट, इम्तिहान ये है कि अल्लाह की तरफ लौटकर सबको जाना है। हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंसान की आत्मा अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह की तरफ ही जाएगी। तो इंसान को लौटना अल्लाह की तरफ है मरने के बाद। अब टेस्ट इस बात का है कि कौन लौटकर, हैं, अल्लाह की तरफ लौटकर ईमान लेकर जाता है और कौन बग़ैर ईमान के मर जाता है। ये दुनिया बहुत पहले से बनी चली आ रही है, लाखों करोड़ों इंसान रोज़ यहाँ टेस्ट देने के लिए आते हैं और इम्तिहान देकर मरकर यहाँ से चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को राज़ी करें, अच्छाई पर चलें, बुराई से बचें। आज जितने भी लोग धरती पर फसाद फैला रहे हैं, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चल रहे हैं, अल्लाह अल मुंतकिम है, हाँ, इंतकाम लेने वाला। अब आपका अगला सवाल था कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यूकेशन क्या है, कदर क्या है, और इंसान की ज़िंदगी की कदर क्या है। तो देखिए, यह आसमान से आई हुई खबर है, हदीस में आता है कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। बात को सुना करो ध्यान से, गौर से। दुनिया क्या है? धोखे का घर, खतरों का घर,
बीमारियों का घर, दुखों का घर, मौत का घर। अब देखो ना, है ना, है इस दुनिया की बड़ी अजीब बात, ये दुनिया मौत का घर है, मगर फिर भी इंसान यहाँ मौत से निडर है। क्यों निडर है? क्योंकि इसके अंदर जन्नत की हमेशा जीने की चाहते हैं, ये मौत के बारे में सोचता भी नहीं है, जबकि रात दिन लोगों को मरते हुए देखता है, मगर मौत को होश में नहीं सोचता। अब देखो, अल्लाह ने सबको जीवन दिया, रिश्ते नातों में बांधा, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, तमाम रिश्तों में बांधा है इंसान को, और फिर एक जीवन जीने का एक जरिया बनाया है रिश्ते नातों में बांध करके। अब हम देखें अल्लाह के नज़दीक कदर कितनी है इस ज़िंदगी की। जब जिसको चाहता है रिश्ते के खेल तमाशे को बिखेर देता है मौत दे करके, हंसता खेलता परिवार हो वो दुनिया ही को सब कुछ समझ रहा है, अल्लाह बीमारियों में घेर देता है, सबको परेशान कर देता है, मौत देकर उठा लेता है, सबको परेशान कर देता है। तो इससे साफ जाहिर है कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, इंसान की ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं है इस ज़िंदगी की। हाँ, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि असल घर आखिरत का है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, और वो ज़िंदगी उसी को मिलेगी जो इस दुनिया की सच्चाई को देख करके और अपने जीवन की सच्चाई को पहचान करके, मुझे राज़ी करके, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी खोज करके, मेरी पहचान करके, मुझे राज़ी करके मर के आएगा, वो उस जन्नत के घर में जाएगा जो सलामती का घर है, जो हमेशा अमन शांति का घर है। वरना तो आप देख लें दुनिया के अंदर कितने लोग मर रहे हैं रोज़, कितने घर बिखर रहे हैं, कितने परिवार बिखर रहे हैं, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितनी औरतें रांड हो रही हैं, कितने आदमियों की औरत मर रही हैं। ये कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो वो है जिसमें हमेशा का साथ हो, हैं, जन्नत की ज़िंदगी है, जो भी हमें साथ मिलेगा वो हमेशा का साथ मिलेगा। ये कोई ज़िंदगी है कि जो है साथ छूट जाए? हैं, यहाँ पर हर साथ छूटने के लिए मिला है, हर संग टूटने के लिए मिला है। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि इस दुखों के घर की हकीकत को पहचाने, इस ज़िंदगी की हकीकत को पहचाने कि ये ज़िंदगी धोखा है, यहाँ सब कुछ धोखा है, और पहचान करके इंसान अल्लाह की तरफ दौड़ लगाए, अल्लाह की पहचान करे, उसका इल्म हासिल करे, उसका ज्ञान हासिल करे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभी हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ और जीवन का सही मकसद जान पाएँ। और भाई, दुनिया की हकीकत और इंसान की ज़िंदगी की हकीकत पर हमारे बहुत सारी वीडियो हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई हमारे चैनल के अंदर जाएं और बहुत सारी वीडियो हैं, जा करके देखें, आपको समझ में आएगा कि दुनिया की हकीकत है क्या और इंसान की ज़िंदगी कितनी बेकार है, आपको समझ में आएगा, और मौत के बाद की जन्नत की ज़िंदगी कितनी बेहतरीन है, आपको समझ में आएगा। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जब जवानी ढलेगी किन सांसों का मैं एतबार करूँ, जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी। किस धन का मैं अहंकार करूं, जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा। किस तन पे मैं अहंकार करूं, जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा। खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें माफ फरमा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं,
फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना, अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आवाके हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्मा बरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा, या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता, या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला तुम कयामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे, क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोजख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं ताकि वो डर